चलिए फ्रेंड, आज मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं 6-7 साल पहले हाइब्रिड येलो कलर का गुलाब नर्सरी से लाई थी और मेरा खिल रहा था। ये 1-1.5 साल पहले वो मेरा पूरा जड़ से वो पूरा, ये देखिए, ये पूरा सूख गया था। मैं उसको हटाई नहीं, कुछ दिन के बाद मैं इसको हटाने ही वाली थी कि इसमें से सब बोलते हैं कि शक्कर निकलता है, शक्कर को हटा देना चाहिए क्योंकि जंगली पौधा रहता है उसमें फ्लावर नहीं आते हैं सात पत्ता का। लेकिन जब मैं इसको हटाने वाली थी तब से वो नीचे से जड़ से एक निकला, उसका शक्कर निकला। मैंने जानबूझ के उसको छोड़ दिया क्योंकि येलो कलर का है, येलो कलर का फ्लावर बहुत कम ही खिलता है गुलाब, तो मैंने इसको छोड़ दिया। मैंने छोड़ दिया तो धीरे धीरे करके वो बढ़ने लगा, उसमें एक एक गुलाब छोटा छोटा था वो होने लगा और वो साइज़ का बहुत बड़ा, मैंने वीडियो में भी कितना बार दिया है, एक एक गुलाब ही होता था येलो कलर का। मैंने उसको छोड़ दिया और उस गुलाब को मैं तोड़ के भगवान को चढ़ा दिया। इस बार देखिए वही शक्कर का पौधा मेरा बड़ा होते होते, देखिए इस बार इसका 3 कली। मैं अपना खुशी आप लोग को दिखला नहीं सकती, बयान नहीं कर सकती। ये देखिए बड़े बड़े, ये देखिए कली, 3 कली मेरा इस बार हुआ है। ये देखिए वही शक्कर का प्लांट मेरा इतना अच्छा हो गया। अब उसमें बोलते हैं कि 7 पत्ते होते हैं लेकिन 7 नहीं, ये देखिए 5 पत्ता ही सिर्फ हुआ है, 5 पत्ता ही ऊपर जाके, शुरू में हुआ 7 पत्ता, उसका होते होते फिर 5 पत्ता आगे। और ये देखिए कितना अच्छा प्लांट, और वहीं से फिर मेरा ये बोलते शक्कर दूसरा, ये देखिए ये दूसरा, यहाँ से ये प्लांट है वो मेन प्लांट जो मैं बोल रही हूँ वो ये प्लांट है, और ये देखिए ये दूसरा, यहाँ आप लोगों को मैं दिखला रही हूँ, ये देखिए ये शक्कर एक प्लांट निकला। तो मैंने क्या किया, इसका ऊपर से यहाँ से मैंने इसको तोड़ दिया है क्योंकि इसका डाली निकलेगा, तो पूरा मैंने इसको रहने दिया है क्योंकि मुझे आशा है कि जिस तरह ये मेरा फ्लावर हुआ है इसमें भी फ्लावर आएंगे। तो ये देखिए पूरा सूखा हुआ, मैं इसको निकाल रही हूँ कि जड़ उसका लगा हुआ, इसलिए चाहती हूँ कि इसको यहाँ से तोड़ दूँ लेकिन नहीं टूट रहा है। तो ये धीरे धीरे करके अपना पानी में गलेगा और मैं इसके ऊपर से मिट्टी डाल दूँगी तो अंदर अंदर ये सड़ जाएगा और ये खाद बन जाएगा। मैं इसको निकालूँगी तो जड़ से मेरा प्लांट भी निकल जाएगा, इसलिए मैं ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहती। ये देखिए इस तरह से मेरा, ये मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि एक पाई किसी को भी हटा नहीं देना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या होता है उसके बाद ही करना चाहिए। मैंने अपना इसको रहने दिया, तब देखिए मेरा एक फ्लावर से इस बार मेरा 3 फ्लावर होगा और मैं इस सबको भी काटते जाऊंगी तो मेरा पूरा घना हो जाएगा मेरा येलो कलर का, और खूब बड़ा साइज में फ्लावर होता है इसका, बहुत सुंदर लगता है येलो कलर का गुलाब। मेरे पास रेड कलर का 3 है, मैंने देसी गुलाब लगाया हुआ है क्योंकि वो हमेशा खिलता है। ये हाइब्रिड में लाई थी, मैं 4 लाई थी, धीरे धीरे करके मेरा सब खत्म हो गया, एक यही बचा था। तो मेन प्लांट तो ख़त्म हो गया लेकिन उससे निकला जड़ से फिर मैं ये प्लांट मेरा रख, आशा करती हूँ कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए क्योंकि मैं जो कोई वीडियो बनाऊंगी उसका नोटिफिकेशन आप सब लोग को मिलता रहेगा। इसी के साथ मैं अपने वीडियो का अंत करती हूँ। नीलिमा सिंह का प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद।